MTG, Namaste doctor. Some online YouTubers are saying that COVID-19 is just a scam and it is only as much dangerous as flu. Please guide. वेलकम टू थिंक पिल. मैं हूँ डॉक्टर रूपल और थिंक पिल चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. MTG, आपने गलत पर्सन को ये क्वेश्चन पूछा है. ये क्वेश्चन आपको न्यूज़ मीडिया को पूछना चाहिए या फिर जर्नलिस्ट को पूछना चाहिए. मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर की एक ड्यूटी या डॉक्टर का एक काम यही होता है कि पेशेंट को ठीक करना. कोई भी पेशेंट हो, चाहे वो फ्लू का पेशेंट हो, करोना वायरस का पेशेंट हो, कोई भी पेशेंट हो, उसको ठीक करना ये हमारी प्रायोरिटी है. जब भी हम बाहर हॉस्पिटल में जाते हैं, जब भी हम पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, तो हम लोग ये नहीं सोचते कि इसको जो बीमारी है क्या वो एक स्कैम है, इस ये बीमारी के पीछे क्या पॉलिटिक्स है, ये हम नहीं सोचते. हम ये सोचते हैं ये पेशेंट हमारे सामने है, इसको हम लोग को ठीक करना है. रही बात आप पूछ रहे हो कि वेदर ये स्कैम है या नहीं, देखिए ऑनलाइन यूट्यूबर जो होते हैं वो घर पर बैठ के इन द सिक्योरिटी एंड इन द कोजी एटमोसफियर एंड द सेफ्टी ऑफ देयर होम पे बैठ के वो वीडियोस बनाते हैं जिससे उनको व्यूज मिलते हैं और उस व्यूज से वो पैसे कमाते हैं. वो जो यूट्यूबर्स जो कहते हैं कि ये कोरोना वायरस स्कैम है, मैं उनको इनवाइट करती हूँ कि वो यहाँ पे मुंबई में आए. मुंबई में मैक्सिमम कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं और कोरोना वायरस की कैजुअलिटीज हैं. तो मैं उन ऑनलाइन यूट्यूबर्स जो कहते हैं कि कोरोना वायरस एक स्कैम है, उनको मैं इनवाइट करती हूँ, आप प्लीज़ आइए यहाँ पे मुंबई में, या फिर आप आपके लोकल हॉस्पिटल में जाइए जहाँ पे कोरोना वायरस के पेशेंट्स क्रिटिकल है और उनकी ट्रीटमेंट हो रही है, और उनको आप जाकर ये समझाइए कि भाई ये कोरोना वायरस जो है ये एक स्कैम है, इससे कुछ नहीं है, ये एक स्कैम है, फलाना ढिकना. तो वो कोरोना वायरस का पेशेंट पूछेगा, भाई ये सब स्कैम है, मुझे क्यों बता रहे हो, तुम्हारे पास कोई ट्रीटमेंट है तो मुझे बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम का सलूशन है तो मुझे बताओ. ये तो बातें जो स्कैम है, ये ऐसा है वैसा है, ये घर पर बैठे आराम से चाय पीते पीते गपशप करने के लिए अच्छी चीज़ें हैं, प्रैक्टिकलिटी कुछ भी नहीं है. जो भी डॉक्टर्स है, एक्चुअल में जो रियल डॉक्टर्स है, उनका मेन कंसर्न ये होना चाहिए कि पेशेंट को कैसे ट्रीट करें. आप ये सोचोगे ऐसा स्कैम है, ये फ्लू है, करोना वायरस है, व्हाट डज इट मैटर कि वो पेशेंट को करोना वायरस हुआ है या फ्लू हुआ है, पेशेंट बीमार है, आप डॉक्टर हो, ठीक करो. इस तरह के स्कैम के वीडियोस बना रहे हो तो दैट मीन्स दे आर नॉट डॉक्टर्स, दे आर जस्ट जर्नलिस्ट या फिर न्यूज़ मीडिया. ये सब स्कैम्स ढूंढना ये जर्नलिस्ट का काम है, डॉक्टर का काम है पेशेंट को ठीक करना. और अगर आप ऐसे सोचते हो कि कोरोना वायरस एक स्कैम है, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा डेटा देखिए, कितने सारे लोग मर गए हैं कोरोना वायरस की वजह से, और स्पेशली डॉक्टर्स मर गए हैं. अभी अगर हम लोग इंडिया में कम से कम 600, आई थिंक मोर देन 600 पैरामेडिकल जो स्टाफ है वो इफेक्टेड भी है, उसमें से काफ़ी सारे डॉक्टर्स एक्सपायर हो गए हैं. डॉक्टर्स डाई हैव डाइड बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन. स्पेशली इफ़ यू लुक एट इटली, इटली में मरने वालों की संख्या में डॉक्टर्स भी है. 100 डॉक्टर्स एक्सपायर हो गए, दे डाइड बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन, बिकॉज दे वर ट्रीटिंग कोरोना वायरस पेशेंट्स. तो अब जो डॉक्टर्स जो मर गए कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से, उनकी फैमिलीज को जाके आप ये सलाह दो कि भाई कुछ डरने की ये नहीं है, कोरोना वायरस तो सिर्फ एक स्कैम है और कुछ भी नहीं होता है, तो दैट इज सो इनह्यूमन एंड इट इज अ जोक. तो ये जो करोना वायरस एक स्कैम है, ये सब वीडियोस जो बनाए हैं, आई थिंक इट इज लाइक अ जोक ओनली. ये एक तरह का थप्पड़ है उन पेशेंट्स के सामने, उन पेशेंट्स के फेस पे, के भाई दे आर जस्ट मेकिंग फन ऑफ दोज पेशेंट्स. सो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स आर रियली, आई मीन यू शुडंट टेक इट सीरियसली, क्योंकि ये सब एक एंटरटेनमेंट. जैसे हम लोग कुछ जोक्स वगैरह देखते हैं, जोक्स एक दूसरे को बताते हैं, उसको वहीं पे रख दीजिए, और जो ग्राउंड रियलिटी है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है. अगर उनको लगता है कि करोना वायरस स्कैम है फ्लू की तरह, प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम, कम टू द करोना वायरस डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स, सी द कंडीशन ऑफ द पेशेंट्स क्या है, कैसे है, सी द कंडीशन ऑफ द रिलेटिव्स ऑफ द पेशेंट. अगर आज के टाइम में अगर किसी को भी हम लोग बता दें कि आपको क्वारंटीन किया है, तो सब लोग इतना ज़्यादा डर जाते हैं. पीपल आर सो स्केर्ड ऑफ दैट इन्फेक्शन एंड सो स्केर्ड ऑफ दैट डिजीज, फॉर द सिंपल रीजन कि उसका अभी तक इलाज नहीं है, देर इज नो वैक्सीन. सो ऑल दीज थिंग्स आर जस्ट, जैसे हम लोग
मुंबई की भाषा में बोलते हैं, ये सब टाइम पास करने की चीज़ें हैं, सच्चाई कुछ और है और टाइम पास कुछ और है। तो ये दोनों चीज़ों को अलग ही रखना चाहिए। और मैं ये बिलीव करती हूँ कि आई एम अ डॉक्टर एंड माई मेन प्रायोरिटी और माई मेन कंसर्न इज़ टू ट्रीट द पेशेंट एंड नॉट गो इन टू एनी सच कॉन्ट्रोवर्सी। मेरे सामने पेशेंट आता है, मेरा ये फ़र्ज़ है, मेरी ये ड्यूटी है कि मैं वो पेशेंट को ठीक करूँ। ओके okay? की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ प्रतिक्रिया या प्रश्न हो तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आपको इस वीडियो से महत्वपूर्ण जानकारी मिली हो और आप इस तरह के वीडियोस देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं इस तरह की वीडियोस पोस्ट करूँ। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू स्टे ऑसम। बाय।